नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने सबने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, वीडियो किसके ऊपर बनने वाली है। आज हमारी वीडियो बनने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर। ज्यादातर बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे, चार डाउट है बच्चों के, उन चारों के चारों डाउटों को मैं क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। अब कौन कौन से डाउट है, पहला डाउट है जितने नोटिफिकेशन में, याद रखना पहला सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट है नोटिफिकेशन में जितनी मिनट दी गई है, क्या हमको दौड़ के समय उतनी मिनट दी जाएगी या हमको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा, पहला डाउट बच्चों का। दूसरा डाउट है मेरी हाइट कम है, मेरी चेस्ट कम है तो क्या मुझे बाहर कर देंगे। तीसरा सबसे बड़ा डाउट है कि हम पे रनिंग नहीं हो रही, दौड़ नहीं हो रही तो हम कैसे रनिंग करें। चौथा सबसे बड़ा डाउट है कि मुझ पे ऊंची कूद और लंबी कूद, हाई जंप और लॉन्ग जंप नहीं हो पा रहा, हम कैसे इनको क्लियर करें। चारों के चारों डाउटों को आज मैं क्लियर करने वाला हूं, इसलिए बोल रहा हूं वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। और दोस्तों आपका कोई भी डाउट हो या आपका अपना चैनल है, बेझिझक याद रखना, बेझिझक कमेंट करके पूछ लेना, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा। अब मैं लेके चलता हूं सीधे टॉपिक के ऊपर। पहला डाउट है बच्चों का कि नोटिफिकेशन में जितनी मिनट दी गई है क्या हमको उतनी मिनट मिलेंगी दौड़ के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जितनी नोटिफिकेशन में मिनट दी गई है उतनी ही मिनट मिलेगी आपको, ठीक है। बहुत आपको यह भी बताएंगे कि पहले ही बाहर कर देंगे, 5:40 पे बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। दोस्तों जो कांस्टेबल होंगे ना वो आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको समय बताएंगे, इसलिए बोल रहा हूं जितनी मिनट दी गई है उतनी ही मिनट दी जाएगी। तो ये डाउट बाहर निकाल दो कि हमको पहले बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, जितनी मिनट दी गई है उतनी मिनट आपको मिलेगी, लेकिन आपको दोस्तों दौड़ तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, इसलिए बोल रहा हूं अभी तक भी आप दौड़ नहीं कर रहे हो या फिर एक दिन करते हो एक दिन छोड़ देते हो, एक दिन करते हो एक दिन छोड़ देते हो, तो ऐसा मत करो। अब आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचा, आपको को पता होगा 28 जून से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। कितनी तारीख से? 28 जून से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। अब ज्यादा आपके पास समय नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं दौड़ आज से वापस से चालू कर दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा डाउट है कि मेरी हाइट है कम है और चेस्ट कम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि जितनी नोटिफिकेशन में हाइट मांगी गई है, ज्यादातर फीमेल की प्रॉब्लम है हाइट की, यदि जितनी नोटिफिकेशन में बताई गई है उतनी भी यदि आपकी हाइट है तो आपको कोई बाहर नहीं करेगा, और दोस्तों जितनी बताई गई है उससे बहुत कम है तो आपको सीधे सट बाहर कर दिया जाएगा। मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है चेस्ट, मेरी चेस्ट कम है तो आपको मैं बता दूं, यदि थोड़ी बहुत आपकी चेस्ट कम है तो जब आप फिजिकल देने जाओ ना, याद रखना जब फिजिकल देने जाओ, जब आपकी चेस्ट नापे उससे पहले वहां पर पुशअप लगा लेना, आपको कोई मना नहीं करेगा पुशअप लगाने के लिए, वहां पर पुशअप लगा लेना, यदि थोड़ी बहुत कम होगी तो दोस्तों वहां पर मैनेज हो जाएगी, आप फिजिकल में पास हो जाओगे। ये डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया। और रोजाना रोजाना जब तक आपका फिजिकल नहीं है, जिस तारीख से फिजिकल है उससे पहले दोस्तों रोजाना प्रैक्टिस करो, रोजाना रोजाना आपको पुशअप जरूर लगानी है, ठीक है, यदि चेस्ट कम है तो पुशअप जरूर लगानी है। तीसरा सबसे बड़ा डाउट आ रहा था कि हम पे दौड़ नहीं हो पा रही, रनिंग नहीं हो पा रही, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो रनिंग करेगा ना उसके लिए 10 दिन भी काफी है, याद रखना। एक तो बच्चा ऐसा होता है 10 दिन में भी रनिंग कंप्लीट कर लेता है, फिजिकल क्लियर कर देता है, और एक ऐसा भी होता है जिसको 5 महीने दे दो, 5 महीने भी वो दौड़ नहीं करेगा। तो यदि आपके पास अभी समय है, अभी भी आप दौड़ नहीं कर रहे हो तो दौड़ जारी रखो। हाथ में पैर में दोस्तों दर्द होता है, मैं भी मानता हूं दर्द होता है, लेकिन आपको बता दूं रोजाना प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नेगेटिव सोचकर दौड़ करते टाइम रुक जाते हैं, तो आपको दौड़ करते टाइम नहीं रुकना, जितनी आपकी दोस्तों दौड़ मांगी गई है 1600 मीटर कंप्लीट करके ही आपको रुकना है, ठीक है। और दोस्तों जितनी मिनट में आपकी यहां पर दौड़ आ रही है ना उससे कम समय में वहां पर आएगी, टेंशन मत लो। बहुत ये भी कमेंट करता है कि मेरे 7 मिनट में आ रही है, मेरे 6.5 मिनट में आ रही है, तो मैं आपको बता दूं वहां पर दोस्तों आपकी दौड़ कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। रोजाना प्रैक्टिस करो और अपने माता पिता को, वर्दी को, और जो आपसे बोलते हैं नेगेटिव कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इन लोगों को ध्यान में रखकर आपको दौड़ करनी है, कि उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो आपसे बोलते हैं ना कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उनको जवाब देना है और आपको सामने वर्दी दिखनी चाहिए, अपने माता पिता को देखकर आपको दौड़ करनी है, आप जरूर कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, रनिंग जरूर कंप्लीट कर लोगे, रोजाना प्रैक्टिस करो आराम से आपकी दौड़ कंप्लीट हो जाएगी। अब सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा था हाई जंप लॉन्ग जंप, ऊंची कूद लंबी कूद, दोस्तों इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको मैं बता दूं हाई जंप और लॉन्ग जंप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी होगा, उतने कम समय में होगा, इसलिए बोल रहा हूं अभी आपके
पास समय है, रोजाना प्रैक्टिस करोगे ना ऊंची कूद और लंबी कूद की, आराम से क्लियर हो जाएगी। ज्यादातर बच्चों का ये भी डाउट है कि हम जूते पहन के करें या नहीं करें, वहां पर जूते पहन के कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा आप करना चाहो ना, बहुत जूते पहन के भी करते हैं, बहुत नहीं करते, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आप कर पाओ वैसे आप कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया। हाई जंप और लॉन्ग जंप यदि आप पे नहीं हो रहा है, रोजाना प्रैक्टिस करो, रोजाना प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगी। इसकी कोई दोस्तों रणनीति नहीं है, बहुत बताते हैं हम कैसे करें, रोजाना प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगी। अब भी आपका कोई डाउट रह जाता है, बेझिझक वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि ये आपका चैनल है, आपकी बदौलत मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट करके बता देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।